अच्छा, यहाँ पे हेमलेट डिले की बात हो रही है. इट इज सेड दैट देयर इज नो डिले इन हेमलेट. व्हाट इज योर असेसमेंट रीजन आउट द एक्चुअल पोजीशन? हाउ वुड यू अकाउंट फॉर हेमलेट्स डिले इन एवेंजिंग द मर्डर ऑफ हिज फादर? हेमलेट ने जो इतना डिले किया अपने फादर का मर्डर का जो एवेंज करने में या बदला लेने में, आपका इसके बारे में क्या ख्याल? ठीक है. The problem of problems in Hamlet is the problem of Hamlet's delay in carrying out the task of revenge assigned to him by the ghost of his father. Actually, सबसे बड़ा जो हेमलेट की का जो ट्रेजिक फ्लॉ समझा जाता है ना, वो हेमलेट की डिले को ही समझा जाता है कि बहुत ज्यादा सोचता था, काम कम करता था, सोचता ज्यादा था. There has been a great controversy among the critics about it. Some of them even refused to accept that there is एनी डिले. कुछ ने तो कहा कि नहीं भाई, इस तरह तो कोई डिले है ही नहीं. द जर्मन एंड अमेरिकन क्रिटिक्स आर ऑफ द व्यू दैट इफ देयर इज अ डिले, इट इज शेक्सपियर एंड नॉट हैमलेट. कुछ ने यहाँ तक कहा कि ये तो शेक्सपियर का डिले था, हैमलेट का डिले नहीं था. दीज क्रिटिक्स बिलीव दैट हैमलेट गो स्ट्रेट टू द मार्क, के हैमलेट जो है वो जो है ही गो स्ट्रेट टू द मार्क, और कि वो अपने उसने बिल्कुल सही निशाने पर, मतलब वो गया था एंड स्ट्रेट इन द हार्ट ऑफ द क्राइम, और बिल्कुल सही वो जुर्म के, मतलब जुर्म तक पहुंचा था, क्रिमिनल तक पहुंचा था. एंड बाय नो मीन स्लो, और वो स्लो नहीं था, बल्कि वो बहुत इंटेलिजेंस के साथ, अपनी बहुत अकलमंदी के साथ उस क्राइम तक पहुंचा था. द प्रीपोस्टरस आइडिया दैट ही गो स्लोली हैज कम टू बी अ settled notion only from the silly desire that he should slay the king overnight. अब क्या था कि उसका ये जो preposterous idea कि he goes slowly has come to a settled notion, कि एक settled notion था only for from the silly desire, कि इसके बजाय कि वो एक silly desire करता कि वो रातों रात king को कत्ल कर देता. This is a mistaken view, for there is enough evidence in the play so suggests that Hamlet does procrastinate in the following the command of the ghost. He asks ghost in closest scene, do you not come your tardy son to chide that lapsed in time and passion? Let's go by the important acting of your dread command. Those who agree that there is delay are also divided into two groups. जो ये कहते हैं कि जनाब बाकी उसने delay किया था, वो भी दो groups में, उन critics को अब हम दो groups में divide कर देते हैं. एक कुछ और सजेस्ट करते हैं, एक सजेस्ट वन सजेस्ट दैट द डिले इज ओकेजन्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स, कि ये एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से डिले हुआ था. एंड द अदर दैट इट हैज इट्स बेयरिंग इन हैमलेट्स पर्सनालिटी, और बाकियों ने ये कहा था दूसरों ने कि इट हैज इट्स बेयरिंग इन हैमलेट पर्सनैलिटी, कि ये हैमलेट पर्सनैलिटी के अंदर ये फ्लॉ था. टू गेट अ फेयर कंक्लूजन वन हैज टू एनालाइज दीज डाइवर्जेंट व्यू. अब देखते हैं कि कौन सा जो है, ये दो जो डाइवर्जेंट व्यूज हमारे सामने आ गए हैं, कौन सा सही है. Those who place the reasons of Hamlet's delay outside his character point out several difficulties in his way. First, they regard it impossible for Hamlet to avenge himself upon the being when the latter was only surrounded by his courtiers, but was also guarded by Swiss bodyguards. सेकेंडली, पहली बात ये कि वो जो था बादशाह था, वो तो हर वक्त जो है स्विस बॉडी गार्ड्स के जरिए जो है वो सराउंडेड ही रहता था. और दूसरी बात ये कि हैमलेट हैड नो प्रूफ अगेंस्ट द किंग, उसके पास कोई किंग के अगेंस्ट कोई प्रूफ ही नहीं था. द गोस्ट स्टोरी एज डिफेंस अगेंस्ट द मर्डर ऑफ द किंग वॉज नथिंग. और अगर वो किंग को किल कर देता और गोस्ट स्टोरी सुनाता तो लोगों ने यही कहना था भाई पागल हो गया. The letter to the English king in which directions were given to murder Hamlet was the final proof. और वो जो letter था English king का, वो final proof था कि वाकई इसी ने murder किया है इसके बाप का, यानी कि जो इसका चचा था उसी ने murder किया है इसके बाप का, वो final proof था. He returned quickly, but the enemy was too quick for him. वो जल्द ही वापस तो आ गया, लेकिन जो enemy था यानी कि उसका जो चचा था Claudius था, वो इससे ज्यादा तेज था. And the public arrangement was prevented by his own death. और वो जो public arrangement हुई वो was prevented by his own death. वो उसकी अपनी death की वजह से prevent हो गई.
यानी कि अगर उसको पब्लिक के सामने वो पब्लिकली एक्सपोज करता तो वो उसकी डेथ की वजह से प्रिवेंट होगी. व्हेन हैमलेट फाउंड फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस ही डिड टेक रेवेंज थ्रू इट वाज टू लेट. जब हैमलेट ने फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस उसको मिले बट ही डिड टेक रेवेंज थ्रू इट वाज टू लेट. उसने बदला तो ले लिया लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और वो मौत के करीब पहुंच चुका था. द थ्योरी डिड नॉट फाइंड फेवर विद मॉडर्न्स. ब्रैडली मतलब जो मॉडर्न क्रिटिक्स हैं वो इस थ्योरी को फेवर नहीं करते. ब्रैडली डिसमिसेस इट ऑन द ग्राउंड दैट हैमलेट नोवेयर रेफर टू द एक्सटर्नल डिफिकल्टी, रादर ही एसर्टेड अ नंबर ऑफ टाइम्स दैट ही कुड ओबे द गोस्ट. रिगार्डिंग द इंटरनल फैक्टर्स देयर आर अ लॉट ऑफ थ्योरीज. द इंपेडिमेंट ऑफ एडिपोज थ्योरी. अब देखते हैं कि देयर आर लॉट्स ऑफ थ्योरी रिगार्डिंग इंटरनल फैक्टर्स. लेट्स सी इंपेडिमेंट ऑफ द एडिपोज थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं कि हार्बे सजेस्ट दैट हैमलेट सफर फ्रॉम अ लिम्फैटिक टेम्परामेंट सिंपली बिकॉज ही इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग फैट एंड स्कैंट ऑफ ब्रेथ एंड बिकॉज ऑफ हर ही रेफर्स टू सॉलिड फ्लैश. अपेरेंटली दिस टाइप ऑफ पर्सन लैक्स द एनर्जाइजिंग टेम्परामेंट टू एक्ट. अब कहा जाता है हार्बेज ने ये सजेस्ट किया था कि हैमलेट जो है वो लिम्फैटिक ट्रीटमेंट की वजह से सिंपली सफर करता क्योंकि उसको डिस्क्राइब किया गया कि वो फैट था और स्कैंट ऑफ ब्रेथ था यानी कि उसको सांस चढ़ जाता था और बिकॉज ही रेफर टू सॉलिड फ्लैश क्योंकि उसको थोड़ा मोटा दिखाया गया था. अपेरेंटली दिस टाइप ऑफ पर्सन लैक्स द एनर्जाइजिंग टेम्परामेंट टू एक्ट. तो जो थोड़े से भरी जिसामत के लोग होते हैं उनके अंदर एनर्जाइजिंग टेम्परामेंट जो है वो बहुत कम होता है कि वो कोई अमल करे. दिस थ्योरी कैन बी रिजेक्टेड इन व्यू ऑफ द फेंसिंग मैच विच सजेस्ट हैमलेट एथलेटिक स्पेकुलेशन. लेकिन ये थ्योरी रिजेक्ट कर दी गई कि हैमलेट कोई इस तरह का कोई मोटा ताजा कोई नहीं था और क्योंकि वो बहुत ज्यादा अ मैन ऑफ एक्शन था. जब हम उसकी एथलेटिक स्पेकुलरिटीज को देखते हैं कि उसकी एथलेटिक स्पेकुलरिटीज बहुत ज्यादा थी. फिर है मैसोजिस्टिक हैमलेट थ्योरी. These critics think that he seems to be intellectually and emotionally enjoying the torment of the situation and wants to prolong it, but it aptly construed Hamlet despite his philosophic bent of mind, rebukes himself for delay and in his soliloquies keep on thinking about the ways following which he could take revenge. Sentimental theory, dekhte hain iski kya hai. To Goethe, Hamlet is beautiful, pure and more moral nature without the strength of the nerve which make a hero. Sentimental theory jo ke Goethe ne kaha ki Hamlet beautiful bhi tha, pure bhi tha, moral nature bhi thi uske andar. Lekin uske andar na ye jo strength of nerve hoti hai na jo ki ek hero ko hero banati hai, ek insaan ko hero banati hai, wo nahi thi uske andar. Who therefore sinks beneath a burden which it can neither bear nor throw off. तो वो जो है वो बिनेट था बर्डन चला गया इसी सोचों के बर्डन के अंदर चला गया जो कि ना तो वो बेयर कर सकता था और ना ही उसको थ्रो ऑफ कर सकता था. यानी कि हम बाज औकात इतना सोचों में डूब जाते हैं कि हमारे एक्शंस रह जाते हैं और क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है. He says the time is out of joint. Oh curse spite that ever I was born to set it right. The theory does not reflect Hamlet properly. ये भी भाई जो थ्योरी है हैमलेट को properly define नहीं करती. For such Hamlet one can have only pity mingled with contempt, and he is not fit to be a hero of tragedy. और वो जो है नहीं fit था hero of tragedy के लिए. The weakness of will theory. अब एक और theory आई जनाब weakness of will theory देखते हैं. यानी कि over refinement. Coleridge suggests that Hamlet has an innate quality, the inability to act, the tendency to procrastinate and the fondness for intellectualizing everything too introspective. Therefore, Coleridge asserts Hamlet is continually resolving to do but does nothing to resolve. कि हैमलेट जो है कंटिन्यूसली रिजॉल्विंग के लिए बहुत कुछ करता है लेकिन वो एंड में कुछ भी रिजॉल्व नहीं कर पाता. कॉलरिज कहता है कि उसके अंदर इनएडिकेट था वो innate quality थी कि वो enable था to act यानी कि वो act नहीं कर सकता था. He has a habit of thinking too precisely on events. बहुत ज़्यादा सोचता था events के ऊपर and this takes the better for him.
पर ये उसके लिए बेहतर भी था. दिस थ्योरी इज पार्शली ट्रू एंड बी पार्शली सपोर्टेड बाय हैमलेट्स ओन वर्ड्स इन हिज सोलिलोक्वी. एंड इट इज कंफर्मड बाय कंट्रास्ट बिटवीन हैमलेट एंड लर्टस एंड फॉर्टिनब्रास. स्टिल द थ्योरी लीव्स मच अनएक्सप्लेन्ड. हैमलेट इज नॉट कंप्लीटली डिवॉइड ऑफ एक्शन. He threatens his companions in fourth scene, kills Polonius, fights with Laertes, and practically beats him. वो जो है Polonius को kill कर देता, अपने companions को threatened करता है fourth scene में, fight करता Laertes के साथ और practically beat करता है उसको. The conscience theory, ज़मीर की theory. Ulrich and Hudson traces irresolution neither in will nor in nerve, but to his sensitive conscience. They believe that Hamlet could not do such a bitter business as the day would quake to look on. His consequence renders him coward. He does not kill the king while the latter is at prey. To counter this theory, a critic remarks, Hamlet wants a perfect revenge. Hamlet jo hai wo a perfect revenge lena chahta tha. He does not kill the king while at prayer, for he thinks that if he does so, the king will go to heaven. वो prayer के दौरान भी उसको नहीं kill करता कि अगर, यानी कि ये conscience theory आ गई ना कि अगर वो उसको kill करता during prayer तो शायद वो heaven में चला जाता. कौन? उसका चचा. The melancholy theory. Melancholy किसे कहते हैं? गम. ठीक है. Bradley suggests that the direct cause of Hamlet delay was the state of mind. उसके state of mind क्या था? क्वाइट एबनॉर्मल एंड इंड्यूस्ड बाय स्पेशल सर्कमस्टांसेस, जो कि क्वाइट एबनॉर्मल था और जो है वो अ स्टेट ऑफ प्रोफाउंड मेलनकली और एक्सेसिव ब्रूडिंग, कि उसके ऊपर एक स्टेट ऑफ मेलनकली और एक्सेसिव ब्रूडिंग थी. उसके ऊपर एक स्टेट ऑफ प्रोफाउंड मेलनकली थी और एक्सेसिव ब्रूडिंग थी. That made him too upset to do anything, जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं कर सकता था. ठीक है. Bradley modifies Coleridge's intellectual theory a little and accounts for his delay by pointing out that the prince has received a paralyzing shock from the hasty marriage of his mother. कि जाहिर बात है वो जो शहजादा था उसको एक बहुत paralyzing shock लगा था जब उसने इतनी जल्दी अपनी माँ की शादी अपने देवर के साथ होते, अपने चचा के साथ होते, उसकी माँ की दूसरी शादी जब हुई तो वो एकदम से उसके अंदर एक पैरालाइजिंग शॉक आ गया. द रिजल्ट इज वर्ल्ड वेरी साइनिकिज्म, अ डिसगस्ट विद लाइफ, आई विश नॉट टू हैव बीन बोर्न एट ऑल. सच अ स्टेट ऑफ फीलिंग इन इज इनएविटेबली एडवर्स टू एनी काइंड ऑफ डिसाइडेड एक्शन एंड द एक्शन रिक्वायर्स ऑफ हैमलेट इज वेरी एक्सेप्शनल. None of these theories suffices, but there is some truth in all of these. According to Lewis, Hamlet is a highly complex personality, and his delay or action or inaction is the resultant of a number of causes acting and reacting on each other. Points to remember: there is a great controversy regarding the delay of Hamlet in taking his revenge. Some critics say that there are certain external reasons for this delay, while others contend that the reason of delay are within Hamlet himself. Third, are those who believe in internal factors. They have put forth the following theories: the impediment of adipose theory, masochistic Hamlet theory, sentimental theory, the weakness of will theory, the conscience theory, the melancholy theory. ये आपका आज का जो टॉपिक है दैट